गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस आज हम लोग थोड़े लॉन्ग टूर पे निकलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पैकिंग हो चुकी है, तो आज हम जाने वाले हैं करनाली। तो ये जो टूर है वो दो दिन का है, तो आज हम लोग जाएंगे और कल हम लोग वापस आएंगे। इसका मतलब स्टे हमारा वहीं रहेगा आज का। आज मौसम भी ख़राब है तो हवा काफ़ी चल रही है, अभी पैकिंग हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं। फ़ोन वोन हो चुका है कि भैया हम लोग आ रहे हैं, तो रहने की जगह भी फिक्स हो चुकी है वहाँ पर। सो गाइज अभी चलते हैं करनाली की तरफ और बस तैयारी है निकलने के लिए। और एक भाई हमारा जो है अभी हम रास्ते से पिकअप करेंगे उसको, तो अभी निकलते हैं और तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय गाइज। सो गाइज जिस भाई की मैं बात कर रहा था वो वीरेंद्र आ चुका है, देख सकते हो आप। गणेशमान चौक में ही रहता है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको पिकअप किया है और उसके बाद फिर हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ से अभी हम हॉर्न भी नहीं बजा सकते। और क्या है ये कोस्ट चार्जिंग बैरक है। यहाँ से हॉर्न वॉर्न अलाउड नहीं है, ये राष्ट्रीय निकुंज है। राष्ट्रीय निकुंज, हाँ, जंगल शुरू हो जाता है यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो हिरन शेर हाथी वाती सब देखने को मिल जाते हैं कभी कभी लक में। अच्छा अच्छा, लक होगा तो मिल जाएंगे। चलो देखते हैं आज कितना लक साथ देता है हमारा। सूरज, परिणय, रोजीना, उनकी बारात में चलते हैं आज। अभी जस्ट हमने एक चेक पोस्ट क्रॉस किया है और ये देख सकते हो आप, तो वहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तो ये टाइमिंग भी दिया हुआ है इन लोगों ने, 2:40 में हमने एंट्री की थी और 3:02 में हमें दूसरे चेक पोस्ट में पहुँचना पड़ता है। तो और एक चीज़ और है, यहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं गाड़ी के अंदर ही बना रहा हूँ। तो अभी चलते हैं आगे के सफर की ओर। सो गाइस एक रीज़न तो अभी पता चला है मुझे कि यहाँ पर जो है शेरों का बड़ा आतंक है। तो रात को, जैसे रात को गाड़ी बाइक वगैरह दो पहियों में वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाघों के। और दूसरी बात यह है कि 40 किलोमीटर जो हम लोग स्पीड में चलेंगे यहाँ, तो इससे क्या होगा, जो यहाँ के जानवर हैं वो क्रॉस रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी के आगे आ जाते हैं, टकरा जाते हैं या घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, इसलिए ये स्पीड रखी गई है। राइट, ये है ना। हाँ, तो ये एक रीज़न था जो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। भाई एक और चेक पोस्ट आ गया आगे, तो अब मैं आगे वीडियो नहीं बना सकता।
ये अभी हम लोग पहुंचे हैं भूरी गांव करके एक जगह है, तो गांव तो नहीं है ये, पूरा मार्केट ही है, शहर लग रहा पूरा। तो ये देख सकते हो गाइस, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, हिरन देख सकते हो आप, हिरन भी हमको ही देख रही है, हिरन भी हमको देख रही है। वाह यार, भाग भी नहीं रहे यार, डर भी नहीं रहे ना, हाय हाय कितने प्यारे लग रहे हैं, चार, एक दो तीन चार हैं। गाइस हिरन, बंदर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर चारों तरफ घना जंगल है, लंगूरों के भी दर्शन कर लो भाई। तो गाइस लास्ट चेक पोस्ट अभी आने वाला है जस्ट, और सामने जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर ही जाना है हम लोग को। गाइस ये लास्ट चेक पोस्ट है, टोटल चार चेक पोस्ट आए थे। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चीसा पानी में, तो ये पुल आप देख सकते हो, कर्णाली का पुल। ये है चीसा पानी, ज़ूम कम कर दो, वाह इसको दिखाइए पिलर को। तो गाइज ये जो पुल है ये एशिया में सिर्फ दो ही हैं, उनमें से एक ये है जो कि एक ही पिलर में खड़ा है। तो ये आप देख सकते हो पूरा जो पुल है चीसा पानी का, बहुत ही खूबसूरत, और चारों तरफ पहाड़ हैं इसके। और ये जो है यहाँ पर नीचे नदी बह रही है चीसा पानी की, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हो। पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी पहाड़ी है और पूरा ढह रखा है। तो ये बरसातों के टाइम पे ये आप देख सकते हो पानी यहाँ तक बह जाता है, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक। ओहो, तो ये देख सकते हो आप कर्णाली पुल, लंबाई 500 मीटर है इसकी, किसीम के बूल स्टेट ब्रिज। तो जैसे ही हम लोग कर्णाली के पुल में पहुंचे वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई है, और इस जगह पे बहुत ही तेज हवा चलती है ये लोग बता रहे हैं, और वाकई में अभी हवा चल भी रही है यहाँ पर, और सुबह के टाइम में बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पर। तो अभी बारिश हो रही है तेज, और हम लोग निकलते हैं वापस हम जाते हैं कर्णाली की तरफ आगे। सो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यार बारिश की बूंदें आप देख सकते हो। सो गाइस ये है कर्णाली, ये जो है कर्णाली का मार्केट है, ये देख सकते हो आप। तो मछली आप देख सकते हो लटकी हुई, ये फ्राई करके रखी हुई घर के अंडे। ये माछा लोकल हो यहीं को, लोकल माछा हो
हाँ बाबू लाज माने छ। बारिश आप देख तो बहुत तेज हो गई बाहर। कहीं स्नैक्स चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं खाना आ गया है। गाइस अभी हो चुका है हम लोग का लंच कंप्लीट। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो अभी करीब करीब 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे ठाकुर द्वारे, तो वहाँ हम लोग एक रात रुकेंगे। तो वीडियो बस ये यहीं तक की है, तो इससे आगे भी मैं अपलोड करता रहूँगा लेकिन ये वीडियो को यहीं पर मैं एंड करने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं अब सीधे ठाकुर द्वारा, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।